अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर की तैयारी कर ली होगी, जिसमें मैंने सूरह अनफाल का फर्स्ट चैप्टर और सूरह उसका हदीस नंबर 1 डिलीवर किए थे। आज हम थर्ड लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 2 और 3। हदीस नंबर 2 है, तलबुल इल्मी फरीदतुन आला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। अब बच्चों, इसकी तशरीह का आगाज़ कुछ इस तरह करेंगे कि इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा है कि इसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। इल्म के मानी हैं जानना और आगाह होना, यानी अपने आप को जानना, अपने इर्द गिर्द के माहौल और सबसे बढ़कर कायनात के राजों को जानना। इल्म के बग़ैर इंसान ना तो दुनिया में तरक्की कर सकता है और ना ही अपने खालिक व मालिक का कुर्ब हासिल कर सकता है। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम के नज़ूल का आगाज़ लफ्ज़ इकरा से हुआ, जिसके मानी है पढ़। इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने हुकूमत और सल्तनत उसी कौम को अता की है जो इल्म व अमल में दूसरी अकवाम से बेहतर रही। तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमान इल्म की राह पर गामजन रहे, वो दूसरी कौमों पर छाए रहे, और जब उन्होंने इल्म को हासिल करना छोड़ दिया तो दूसरी अकवाम उन पर गालिब आ गई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जो अहले ईमान हैं और जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह ताला तुम लोगों में उनके दर्जात बुलंद करेगा। इंसान उस वक्त तक अपने मकाम और अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा फ़राइज़ को जान नहीं सकता जब तक वो इल्म की जस्तजू की राह पर गामजन ना हो, यानी जब तक वो इल्म हासिल करने की कोशिश में ना लगा रहे। सबसे बढ़कर ये कि क़यामत के दिन हमें अल्लाह ताला के सामने अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए हमें अल्लाह के अहकामात जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आखिरत में हम अल्लाह की अदालत में सुरखुरू हो सकें। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इन फरिश्तों पर उसे फजीलत दी। इस फजीलत का मयार सिर्फ इल्म है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। इल्म अंबिया की मीरास और दौलत कारून की। जो हसूल इल्म की राह में फौत हुआ वो शहीद है। इल्म व हिकमत मोमिन की मताए गुंगुश्ता है, इसे जहाँ से पाओ हासिल कर लो। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है। हम इल्म हासिल किए बगैर उसकी तालीमात पर अमल नहीं कर सकते। इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म की तलब यानी इल्म हासिल करना ज़रूरी करार दिया है। बच्चे, जो मैंने तशरीह आपको समझाई, इसकी रोशनी में अब आपको इस हदीस की वजाहत हो गई होगी। अब हम हदीस नंबर 4 करेंगे। हदीस नंबर 4 है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और इसे दूसरों को सिखाया। कुरान हकीम कलाम इलाही है जिसका मौजू इंसान है। ये किताब महज नमाज और रोज़े की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, ख्वाह व दुनियावी हों या उखरवी, मुआशी हों या मुआशरती या साइंसी, सब के बारे में ता अबद यानी रहती दुनिया तक हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला तमाम मखलूक से अफसल और इसका कलाम तमाम कलामों से अफसल है। जो शख्स अल्लाह के कलाम को सीखता है और सिखाता है वो तमाम इंसानों से अफजल है। इसको अरबी में पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इसके मानी व मतालिब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी इस्लाम के सांचे में ढल सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान को अपनी आवाज़ों से आरास्ता करो, यानी खूबसूरत आवाज़ के साथ, अच्छी आवाज़ों के साथ इसकी तिलावत करो। एक और जगह इरशाद फरमाया, अगर किसी के घर में कुरान रखा हो और इसे खोला ही ना जाए तो वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से उस घर के लोगों की शिकायत करेगा। क्योंकि कुरान के हम पर 4 हकूक हैं, हम इसे पढ़ें, इस पर अमल करें, समझें और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं और अमल की तरगीब दें ताकि एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरा तश्कील पा सके।
कुरान में मुसलमानों की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मुसलमान एक दूसरे के दोस्त हैं जो नेकी के का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इस सिलसिले में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं। नंबर 1, इस किताब के ज़रिए अल्लाह एक कौम को बुलंद और दूसरी को पस्त करता है। दूसरी है, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफात करेगा। तीसरी हदीस है, कुरान हाफ़िज़े कुरान को क़यामत के दिन कहा जाएगा कि वो कुरान को पढ़ता जाए और जन्नत की मनाजिल तय करता जाए। नीज इसे और इसके वालदैन को सोने का ताज पहनाया जाएगा। कुरान पाक में महारत रखने वाले साहिब इज़्ज़त लिखने वालों के बराबर हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान पढ़ें, समझें और अमली ज़िंदगी में इसकी पैरवी करें और इसका पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। ये बड़े अजर व सवाब का काम है और हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इस अजर व सवाब से महरूम ना रहें। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। गुड लक।